हेलो एवरीवन, माय नेम इज टिकेश्वरी मार्कंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर एट श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़। टुडे डिस्कस अबाउट द इंटरनल एनाटॉमी टाइप ऑफ लीफ। डाइकोटिलेडंस जो है, डाइकोटिलेडंस प्लांट में डॉर्सी वेंट्रल लीव्स पाए जाते हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीव्स मतलब वे लीव्स जिनकी लोअर एंड द अपर सरफेस में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पाई जाती हैं, ऐसे लीव्स को डॉर्सी वेंट्रल लीव्स कहा जाता है। एग्जांपल मैंगो, गुआवा, जैकफ्रूट, बनियान। डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर को टू टाइप के लेयर में डिवाइड किया गया है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जो है एक यूनिसेलुलर लेयर होता है जो पैरेन्काइमल सेल्स का बना होता है। इसमें क्लोरोफिल एंड स्टोमेटा जो है एब्सेंस रहता है और इनके जो स्ट्रक्चर है वे ढोलक के समान दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल बनियान ट्री, नेरियम लीफ। नेक्स्ट है लोअर एपिडर्मिस। ऐसे लीव्स जिसमें यूनिसेलुलर लेयर होता है और ये जो है दिखने में इसकी स्ट्रक्चर जो है अपर एपिडर्मिस के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें एक पोर पाया जाता है और इसी पोर को स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा जो है एक किडनी सेल के गार्ड सेल में ढका होता है या उसके आउटर लेयर पे होता है। नेक्स्ट है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों के बीच में जो टिश्यूज दिखाई देते हैं वे मेसोफिल सेल्स कहलाते हैं। और ये मेसोफिल सेल्स हैं वे पैलिसेट मेसोफिल्स एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में डिवाइड रहता है। इसमें जो अपर सरफेस की ओर जो टिश्यूज दिखाई देते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, इन जो सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं पाया जाता और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसे सेल्स को पैलिसेट मेसोफिल कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पॉन्जी मेसोफिल पैलिसेट्स के जस्ट नीचे और लोअर एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर स्पॉन्जी मेसोफिल्स पाया जाता है। इसमें इन सेल्स के बीच में एक गैप पाया जाता है जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है या एयर कैविटी कहा जाता है, और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और ऐसे सेल्स को या ऐसे टिश्यूज को स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल इसमें डाइकॉट जो लीफ है इसमें वैस्कुलर बंडल जो है एक बिखरा हुआ दिखाई देते हैं, एक पंक्ति में सिक्वेंशियल नहीं पाया जाता। और इसमें जो वेन्स होते हैं उसमें वैस्कुलर बंडल जो है छोटा पाया जाता है, मिड रिब में छोटा पाया जाता है और वेन्स में वैस्कुलर बंडल जो है वो बड़ा पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल जो है कॉन्जॉइट, कोलेट्रल, क्लोस्टर टाइप के होते हैं और वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक पैरेन्काइमल सेल्स पाया जाता है। पैरेन्काइमल सेल्स का एक आवरण पाया जाता है जिसे बंडल सीट कहा जाता है। इसमें जाइलम एंड फ्लोयम पाया जाता है और ऊपर की ओर जाइलम जो है अपर एपिडर्मिस की तरफ और फ्लोयम जो है लोअर एपिडर्मिस की तरफ पाया जाता है। फ्लोयम सीट्यूब कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोयम पेरेन्काइमा का बना होता है और फ्लोयम जो है वो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद जाइलम। जाइलम ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा का बना होता है और वैस्कुलर बंडल के ऊपर एंड नीचे
कोलन क्राइमेटस या पेरेंट क्राइमेटस का एक एरिया पाया जाता है जिसको बंडल सीथ एक्सपेंशन कहा जाता है।